अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग और खुशामदीद आपको, वेलकम नए व्लॉग में। तो मैंने कहा चलो मैं व्लॉग तैयार करने लगी हूँ, ट्यूटोरियल बनाने लगी हूँ, तो चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने आज स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो ये हाफ इसका ये हाफ ये स्लैब है, तो ये मैं तैयार कर रही हूँ, हाफ मैंने ये पीस है। तो अब जो है ना मैं इसको बनाने लगी थी, तो मेरे जहन में आया क्यों ना मैं आपके साथ भी शेयर करूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बनी रहिए, व्लॉग को देखें पूरा एंड तक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें वो, और मेरी वीडियो को वॉच एंड तक करें ताकि मेरा चैनल ग्रो हो, हेल्प करें मेरी। तो चलें कैमरा सेट करते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो हाँ जी, मैंने लगा कैमरा सेट कर लिया। तो अब करना क्या है ये देखें। ये थोड़ी सी हार्ड है, ये ना लिक्विड का टेक्सचर है, लिक्विड का, सिर्फ लिक्विड है, सीमेंट का लिक्विड। इसके अंदर मैंने डाला कल सीमेंट अच्छे से मिक्स किया है। तो ये देखें, देखें तो अब मैंने इसको करना है पीस ने। टेक्सचर बनाना कोई आसान बात है? टेक्सचर बनाना बहुत मुश्किल बात है। हार्ड काफ़ी हो गया इसलिए इसको गीला गीला कर रही हूँ थोड़ा, क्योंकि ड्राई हो जाए ना तो फिर जो होता है ना थोड़ी ज़्यादा मेहनत हो जाती है। अभी भी मेहनत ही है, लेकिन ये है कि इसमें आवाज़ थोड़ी। मेरा हर टेक्सचर मैंने ऐसे ही तैयार किया हुआ है, हर टेक्सचर ऐसे ही तैयार किया हुआ है। जैसे जैसे हम इसको करते जाते हैं ना, थोड़ा थोड़ा इसको साइड में करते जाते हैं, उसके बाद इसको फिर पाउडर से पाउडर बनाएंगे इसका, इसको साइड में करते जाते हैं। अब ये लेके आते हैं, नजर आ रहा है
कल मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि क्रमलिंग भी ऐड करा करें लॉक के अंदर, तो आपकी रिक्वेस्ट के लिए थोड़ी सी क्रमलिंग भी ऐड करूँगी। पहले मैं ये कर लूँ, उसके बाद क्रमलिंग ऐड करते हैं। अगर आप टेक्सचर का रिजल्ट लेना चाहते हैं, टेक्सचर अच्छा बनाना चाहते हैं, तो टेक्सचर के पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत इसी शक्ल में है। अगर आप मेरे जैसा टेक्सचर चाहते हैं तो फिर आपको ऐसी ही मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखें कितनी बड़ी अब स्लैब है, ये देखें। तो चलिए मैं सारा इस तरह से पीस लूँ, तो फिर मैं आपको ना एक दफ़ा दिखा। ये देखिए, ये मैंने ना जो स्लैब बड़ी थी ना उसको सारा क्रश कर लिया, लेकिन अभी ये सही नहीं हुई। अभी जिस इसको मैंने एक तोड़ा है, अभी तो इसका पाउडर बनना है। इसका साउंड देखिए ज़रा, अभी जो है ना ये देखना, अब मैं इसका सारा पाउडर बनाने लगी हूँ, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो है ना थोड़ी सी इसमें करते हैं क्रमलिंग, ठीक है, क्रमलिंग ऐड करते हैं। ये देखें ये पीसेस हैं, थोड़ी सी करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि फिर जो होता ना दूसरे चैनल का टेक्चर है ये, तो फिर उसका आगे मैंने पीस ख़त्म कर दिया सारा क्रम्बल कर करके। तो ये देखिए, अब आपने इसका साउंड चेक करना है और बताना है। बहुत मज़े का टेक्सचर है ये, जस्ट मैंने इस ये बना हुआ है, मैंने आपको ये बता रही हूँ, ये बना हुआ है, इसको जस्ट अपनी तसल्ली के लिए मज़ीद और अच्छा बना रही हूँ ताकि और मज़ेदार हो जाए। ये देखिए, मेरी बहन रो रही है, बिल्लों की तरह रो रही है, जैसे बिल्ले रोते हैं ना ऐसे वो रोती है। देखिए मैंने लंबे लंबे हाथ करके तो क्रमलिंग करनी पड़ती है। ये देखें, ये बड़ा यूनिक टेक्सचर है, बहुत यूनिक।
तो चलो मैं इसका बनाती हूँ पाउडर। तो फिर उसके बाद मैं आपको ना पाउडर बना के फिर सारा दिखाती हूँ। तो हाँ जी, ये देखो अब क्या करना है। अब ना ये थोड़ा थोड़ा लेके ना, थोड़ा थोड़ा लेके ऐसे, ये थोड़ा थोड़ा लेके इस तरह से इसको ऐसे ज़मीन पर फैला लें, आसानी हो जाती है। इस तरह की स्लैब ले लें, ठीक है, तो ऐसे करके ना काम तो ये है ही है, लेकिन ये एक्स्ट्रा मेरा जुनून है। जब मैं चैनल नहीं ना बनाया हुआ था मैंने, तो तब मैं ऐसे फजूल ही बैठ के ये अपने दिमाग को ध्यान लगाने के लिए ना ये काम करती थी। तो जब सोने पे सुहागा पता चला कि ये काम यूट्यूब के ऊपर इन है, तो मैंने कहा चले मज़े का मज़ा और जॉब की जॉब। ये देखें अब इस तरह थोड़ा थोड़ा पाउडर बन जाएगा तो शिफ्ट हो जाएगा आसानी से, ठीक है। तो इसी तरह मैंने सारा करना है, तो ये मैं सारा करके ना तो फिर एक दफ़ा आपको दिखाती हूँ। साथ से ही लगी हूँ, यूँ 10 बज गए हैं और ये है वो टेक्सचर जो मैंने तैयार किया है, और बहुत मेहनत के साथ ये तैयार हुआ है। इतना मैं चाहती थी ये बिल्कुल पाउडर में बने, बिल्कुल पाउडर पाउडर की शक्ल में बने, क्योंकि ये लिक्विड का टेक्सचर है तो इसके अंदर कोई सैंड वगैरह नहीं है। तो मैं चाहती थी कि बिल्कुल पाउडर की शक्ल में बने, तो अब ये बिल्कुल पाउडर बन गया। तो अब ये बिल्कुल पाउडर बन गया, ये देखें देखें कलर। बिल्कुल पाउडर, इसका साउंड नहीं आ रहा। ये जब इसका शेप तैयार होगी, इसकी ये चंक्स वाला टेक्सचर है, इसकी शेप नहीं बन सकती। इसकी एक खासियत ये है कि इसकी शेप नहीं बन सकती, ये चंक्स वाला, क्योंकि बिल्कुल पाउडरी टेक्सचर है। तो इसको जब मैं क्रम्बल करूँगी फिर इसको शेप चंक्स की शक्ल में निकाल दूँगी, तो ये फिर उस तरीके से तैयार हुआ करेगा। तो ये था मेरा आज का ट्यूटोरियल जो बहुत मेहनत से बना है। काइंडली इसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करो अगर आप ऐसे ट्यूटोरियल इंजॉय करना चाहते हो। तो मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।